नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या मामले में फरार चल रहे 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। वन महोत्सव साथ सघन वृक्षारोपण अभियान का हुआ शुभारंभ, डीएम प्रणब कुमार ने वृक्षारोपण कर लोगों से वृक्ष लगाने की अपील। विश्व स्तन 5 सप्ताह को लेकर व्याख्यान का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा मां के दूध का कोई विकल्प नहीं। नहीं थमरा जिले में अवैध शराब का कारोबार, नौगछिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 18 कार्टून शराब किया बरामद। और जल संकट को लेकर कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश, जड़लाही बोरिंग से पेयजल आपूर्ति हुई ठप। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने हत्या, लूट और रंगदारी मामले में फरार चल रहे 3 कुख्यात अपराधी देवराज यादव, बबलू मिश्रा और अरुण शाह को गिरफ्तार कर लिया है। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 3 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। SSP ने कहा कि कुटाहा गाँव निवासी देवराज यादव पर जिले के विभिन्न थानों में 1 दर्जन मामला दर्ज है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। SSP ने कहा कि सजौर थाना क्षेत्र में निशिकांत मिश्र हत्याकांड मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी बबलू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 17 जून को रंजित अपहरण कांड मामले में अरुण शाह को गिरफ्तार किया गया है। SSP ने कहा कि पकड़े गए तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में विगत 24 घंटों के अंदर 3 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है देवराज यादव, जिसको लोधीपुर से गिरफ्तार किया गया है, बबलू मिश्रा जिसको जो सजौर के मामले में वांछित है, और एक अपराधी है जिसका नाम है अरुण कुमार शाह, उसको सुल्तानगंज थाना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तीनों हत्या के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। सर्वप्रथम जो देवराज यादव है, यह कुठा गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर कई गंभीर मामले हैं, करीब 10-12 मामले हैं दर्ज, जिसमें अभी हम लोग को 7 मामलों का डिटेल मिला है। इसको जगदीशपुर थाना कांड संख्या 70/19, जिसमें एक रंजीत कुमार सिंह के साथ जमीनी विवाद के क्रम में मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें मारपीट की घटना के बाद जख्मी होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, उस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका जो आपराधिक इतिहास है, उसमें आर्म्स के साथ मतलब आर्म्स एक्ट में कई कांड इस पर दर्ज हैं, तथा रंगदारी और लूट के भी कांड इस पर दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त सजौर थाना क्षेत्र में विगत दिसंबर में निशिकांत मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, और जिस मामले में कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में की गई थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो कि बबलू मिश्रा है, वो फरार चल रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर के जगदेशपुर प्रखंड में मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के अंतर्गत गुरुवार को वन महोत्सव सा सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। 1 से 10 अगस्त तक चलने वाले अभियान को लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार, DDC सुनील कुमार, जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन शाह, DRDA डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे, जीप उपाध्यक्ष आरती यादव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान ने बारी बारी से वृक्षों के महत्व के बारे में बताया और वृक्षारोपण भी किया। DM ने कहा कि वन महोत्सव सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में 4 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है और प्रत्येक पंचायतों में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो सभी के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। DM ने कहा कि मनुष्य का जीवन वृक्षों के बिना संभव नहीं है और वृक्षों से हम सभी का संबंध जन्म से मृत्यु तक का है। DM ने वृक्षों के महत्व पर चर्चा करते हुए भागलपुर नौगछिया के धरहरा गाँव का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हर खास मौके पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और किसी भी हाल में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना घातक साबित हो सकता है। साथ ही DM प्रणब कुमार ने कहा कि भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है और जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे बचाव के लिए हमें वृक्षारोपण के साथ सभी जल स्रोतों को संरक्षित करना होगा। वहीं जिला परिषद चेयरमैन ने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और वन महोत्सव के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही
योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख, कई मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वृक्ष की उपयोगिता, कई लोगों ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कतार छोड़ते हैं, वृक्ष उसे अवशोषित करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जहाँ बढ़िया बेहतर तरीके से का आच्छादन रहता है, जंगल एरिया ज़्यादा रहता है, वहाँ यह शोध में पाया गया है कम से कम 4 से 5 डिग्री तापमान वहाँ कम रहता है। तो वृक्षों की उपयोगिता किसी से छिपी हुई नहीं है, बिल्कुल यह निर्विवाद है। कई वक्ताओं ने बताया कि किसी भी अच्छे कार्य में, जब हमारे यहाँ की शादी हो, जब हमारे यहाँ कोई बर्थडे मनाया जाए या कोई भी खुशी का अवसर हो, तो हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। विश्व स्तनपान दिवस को लेकर गुरुवार को भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने मां के दूध का कोई विकल्प नहीं विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग से केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि माँ को भी लाभ है। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ काफ़ी महिलाएँ स्तनपान के महत्व को नहीं समझ पाती है और इसे अपने शरीर और स्वास्थ्य के विपरीत मानती है, जो बिल्कुल गलत सोच है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जन्म से 6 माह तक बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर बच्चे का विकास निर्भर करता है। मां के दूध से बढ़कर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है और इससे कभी भी मां का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है। प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि जो आज छात्राएं हैं वह कल माँ बनेगी और इसको ध्यान में रखकर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक है और सभी को इसी से सीखने की जरूरत है। इस अवसर पर भारतीय पोषण संघ भागलपुर चैप्टर के संयुक्त सचिव दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौगछिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल बुधवार की देर शाम टोल प्लाजा के समीप NH 31 पर पुलिस ने वाहन जांच के लिए एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देख कार में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने कार से 18 कार्टून विदेशी शराब और 2 बोरी में बंद देसी शराब को बरामद किया है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि जब्त कार के नंबर के आधार पर तस्करों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोल टैक्स से पश्चिम लगभग 300 मीटर आगे एक कार को बाएं साइड खड़े देखा। 3 लोग वहां पर खड़े थे कार के पास। जैसे ही गाड़ी रोका तो तीनों लोग केला खेत में भाग गए। बहुत दूर तक खड़े रहे लेकिन वो लोग भागने में सफल हो गए। और जब गाड़ी कार के अंदर चेक किया तो कार के अंदर कुल 18 कार्टून में देसी मसालेदार शराब, जो पाउच का होता है, वो बरामद हुआ और 3 बोरा में वही किसी मसालेदार शराब बरामद हुआ और 1 कार्टून वो केन बियर और 2 बोतल वाला बियर और एक शराब का बोतल बरामद हुआ। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए कहा भी जाता है कि बिन पानी सब सून। ये बातें आपने किताबों में जरूर पढ़ी होगी, लेकिन यह यथार्थ में भी दिखता है। पानी के लिए पिछले 4 दिनों से भागलपुर के वार्ड नंबर 39 में हाहाकार मचाए, लेकिन जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि मौन है और जनता एक एक बूंद पानी को तरस रही है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के जड़लाही का बोरिंग कई दिनों से खराब है, जिसके कारण मौलाना चक, गनी चक, हुसैनपुर, अम्बेडकर कॉलोनी, दाऊद चक और करौरी बाजार इलाके के कई लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड पार्षद से लेकर नगर आयुक्त तक को बोरिंग खराब होने की सूचना दी गई, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। इसके बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार को समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और बोरिंग मरम्मति का कार्य शुरू हुआ। फिलहाल प्रभावित इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, जो नाकाफी है। मोहम्मद इरशाद अहमद ने कहा कि बोरिंग खराब होने के कारण दिनचर्या बिगड़ गई है, जबकि सरवर कुरैसी ने जल संकट की समस्या का समाधान नहीं कराए जाने पर पार्षद अंजुम शाहीन पर जमकर भड़ास निकाला। पिछले 4 दिनों से खराब है ये जलाई बोरिंग। यहाँ पे पानी पीने के पानी का एकमात्र साधन है। यहाँ से हजारों घर को पानी मिलता है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ही खराब है, जिस कारण यही पानी लोगों को काम आता है और इसके बंद होने के कारण लोगों को बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। छोटे छोटे बच्चे सुबह में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की हो रही है। पानी लोगों को मैसर नहीं हो रहा है। टैंकर आता भी है कभी कभी, तो वो
प्यासे को ओस चटाने के मानी थे। चार दिनों से बोरिंग खराब है, बड़ी परेशान है लोग, हम लोग नहाने के लिए परेशान है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, एग्जाम का सीजन है, एग्जाम चल रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे नीतीश जी और मोदी जी सिर्फ ठग रहे हैं। जब स्मार्ट सिटी में पानी की व्यवस्था ही सही ना हो तो कैसा स्मार्ट सिटी। सर हम लोग सबको बोल करके बैठ चुके हैं, थक गए हम लोग। देखिए वहाँ खुले में बोरिंग है ना, इसकी बाउंड्री वाल है ना कुछ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे भागलपुर वासियों को सिर्फ ठगा जा रहा है। उन्नाव कांड के विरोध में भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में सामूहिक उपवास का प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। श्री रास बिहारी मिशन और GPFC के संयुक्त बैनर तले उपवास पर बैठे लोगों ने उन्नाव कांड की निंदा की और सरकार से रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। उपवास पर बैठे सर्व सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ भाई ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा और इलाज की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जबकि समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ देश में बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। वहीं डॉक्टर सुजाता चौधरी ने दोषी विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की और कहा कि कांड में शामिल सभी नामजद अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। उपवास का प्रार्थना सभा में रामशरण, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, रिजवान खान, संजय कुमार, मनोज मीता समेत कई लोग मौजूद थे। मांग तो यही है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित रहें। इस तरह की घटनाओं का सरकार की ओर से कोई इसके सजा दंड के लिए जो है कदम उठाना चाहिए सरकार को। यदि सरकार इस तरह चुप रहेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा का परिणाम क्या होने वाला है। वो उन्नाव कांड में जो लड़की पीड़ित लड़की है उसको अविलंब सबसे अच्छी चिकित्सा की जो सुविधा है देश में या देश के बाहर, सबसे पहले उसको बचाने की कोशिश हो कि वो लड़की अच्छी चिकित्सा उसको मिले और वो बचे। दूसरी बात कि जो ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि लड़कियां जो हैं घर के अंदर चली जाएं और महिलाएं घर के अंदर घुस जाएं, उसके बाद जो कट्टरवादी ताकते हैं, धार्मिक कट्टरवादी ताकते हैं, वो जो चाहते हैं जैसी दुनिया, जिसकी उस दुनिया में महिलाएं घर के अंदर हैं और पुरुष बाहर, और उस मत का आजकल बहुत ज़्यादा लोग मतावलंबी होते जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर तिलका मांझी यूको आरसेटी कार्यालय में गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बकरी पालन प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार एवं यूको बैंक के आंचलिक प्रबंधक एस महापात्रा को LDM मोना कुमारी, आरसेटी के अधिकारियों ने बुके एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। DM ने बकरी पालन के सभी 13 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्रमाण पत्र दिया और बकरी पालन की ट्रेनिंग का अपने रोजगार के साथ दूसरों को भी इसका लाभ देने की बात कही। DM ने कहा कि भारत युवाओं का देश कहा जाता है और यदि युवा शिक्षित और हुनरमंद होंगे तो उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिना हुनर एवं शिक्षा के युवा गलत रास्तों पर चले जाते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र का हुनर और शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। LDM मोना कुमारी ने कहा कि रूरल एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान के तहत आरसेटी समय समय पर युवाओं के लिए ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करती है जिससे हमारे देश का युवा हुनरमंद बन सके। इस मौके पर यूको बैंक के अधिकारी, कर्मी और युवा मौजूद थे। भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह 12 सदस्यीय टीम के साथ सनहौला पहुंचे, जहां जिप अध्यक्ष ने प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों का निरीक्षण किया। सबसे पहले कमालपुर श्रीचक पंचायत के कमालपुर गांव पहुंचे। जिप अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की जाँच की, जिसमें वार्ड संख्या 10, 11 एवं 12 में कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। तीनों वार्डों में अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिस पर ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोशित दिखे। कार्य में बरती गई लापरवाही को देखकर चेयरमैन टुनटुन शाह ने नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद जाँच टीम मध्य विद्यालय कमालपुर पहुँची, जहाँ शिक्षक अनुपस्थित मिले और बच्चों की भी संख्या काफ़ी कम थी। स्कूल का शौचालय बंद पड़ा है, जबकि चारों तरफ कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष और जांच टीम आदर्श इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय पहुंचे तो वहां 19 में से केवल 7 शिक्षक उपस्थित मिले। टीम को प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी कई प्रकार की गड़बड़ियां मिली, जिस पर मनरेगा के प्रखंड परियोजना पदाधिकारी गफूर आलम को अधिकारियों ने फटकार लगाई और कहा कि सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिप सदस्य माला देवी, सुजीत सुमन, सलमान सिद्दीकी एवं रुपेश राज मौजूद थे। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र इन दिनों एक से बढ़कर एक सफलता अर्जित कर रहे हैं। कभी यहां के छात्र BPSC में बाजी मार रहे हैं तो कभी बैंक, SSC, रेलवे और न्यायिक सेवा में। कॉलेज में नोडल एजेंसी मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा चलाए जा रहे CTET की कोचिंग में पढ़ने वाले 70 में से 27 छात्र छात्राओं ने इस बार सफलता प्राप्त की। वहीं छात्रों की सफलता से उत्साहित कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम और कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर आलम ने सफल प्रतिभागियों को सम्मान समारोह आयोजित कर मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं समारोह में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार ने कॉलेज में चलाए जा रहे निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाई करने वाले प्रतिभागियों को कई टिप्स दिए और कहा कि बिहार सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए कई योजना चला रही है, जिसका लाभ छात्रों को उठाना चाहिए। वहीं संयोजक डॉक्टर तनवीर आलम ने कहा कि 65वीं BPSC की तैयारी करने वाले इच्छुक छात्र छात्रा 3 अगस्त तक कॉलेज में आकर आवेदन जमा कर सकते हैं। 27 लड़के हमारे यहाँ क्वालिफाई हुए हैं, 70 का बैच हम लोगों ने चला रहे थे, जो बिहार सरकार कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है, जिसकी नोडल एजेंसी मौलाना मजरूल हक है। इसमें 70 लड़के का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 27 लड़के सम्मिलित हुए और पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं और उनको जो है सारे स्टूडेंट को अतिथियों के द्वारा जो है वो सम्मानित कराया गया। आगे अब जो है वो 4 तारीख से जो है हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं 65 BPSC PT के लिए, जिसका 5 को रिजल्ट देंगे और 6 तारीख से जो है लगातार क्लास चलेगा और लगातार हमारे कोचिंग में जो है रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई यहां पर चल रही है हमारे फैकल्टी में। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को पंजवारा थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की और थाने में आवश्यक कागजातों की जांच की और थाना अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए। SP ने पंजवारा थाना क्षेत्र से सटे झारखंड बॉर्डर का भी निरीक्षण किया और विभिन्न तरह के आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। मौके पर पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह मौजूद रहे। भागलपुर शाह मार्केट स्थित वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है।
दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ के मौतवल्ली सैयद साहब फकरे आलम हसन को 1,00,000 रुपए का चेक, मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि देश भर के कुल 8 वक्फ बोर्ड के मौतवल्लियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के सिर्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मौतवल्ली को चुना गया। वहीं पुरस्कार पाने के बाद खानकाह पीर दमरिया के उप सज्जादा नशी ने कहा कि वक्फ हमेशा भाईचारे और सौहार्द के लिए काम करता रहेगा। सुल्तानगंज नई सीरी घाट से कृष्णगढ़ चौक तक प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन पंत, सीओ शशिकांत कुमार एवं बीडीओ प्रभात रंजन की देखरेख में इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार एवं पुलिस कर्मियों के सहयोग से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान कई दुकानों के सामानों को प्रशासन ने जब्त कर लिया और आगे से दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। अतिक्रमण के कारण सुल्तानगंज में कांवरियों एवं श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि मेला से पूर्व भी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर मेला के दौरान किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने की बात कही गई थी। हालांकि कई दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया तो पुलिस ने सख्ती दिखाई और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। भागलपुर के एसएम कॉलेज में बीबीए विभाग की ओर से फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बीबीए पार्ट 3 सत्र 2016-19 की छात्राओं के बीच मिस बीबीए प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान ऋचा सिंह को मिस बीबीए, अनामिका सिंह को मिस लेवोरियस का खिताब मिला, जबकि सांभवी कुमारी मिस डांसर और ऋचा सिंह पर्सन ऑफ द डे चुनी गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर, कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार सिंह, सुषमा कुमारी, मोहम्मद सहनबाज अली, डॉक्टर प्रदीप झुनझुनवाला सहित शिक्षिका और छात्राएं मौजूद थी। कांवरिया सेवा समिति छटपटिया की ओर से कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाबा बटेश्वर नाथ गंगा घाट से जल लेकर बाबा धाम जाने वाले कांवरियों को जल एवं सर्वत सेवा प्रदान की गई। समिति के अध्यक्ष गोपाल मंडल ने कहा कि सावन महीना भगवान शिव को बहुत प्यारा होता है और इसमें बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कांवरिया के साथ भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। इस अवसर पर नीरज केसरी, संजय केसरी, विंदेश्वरी केसरी समेत काफी संख्या में समिति के सदस्य एवं कांवरिया मौजूद थे। सुल्तानगंज नई सीरी घाट पर आयोजित गंगा महाआरती में काफी संख्या में कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। पंडित नवीन कुमार झा, शिवम कुमार, रजनीश झा, शुभम कुमार एवं गुलशन कुमार ने पूरे विधि विधान से महाआरती कराई। इस दौरान कलाकारों ने भजन की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और हर ओर माँ गंगा और भोलेनाथ का जय घोष गूंजता रहा। महाआरती के मनमोहक दृश्य से पूरा गंगा तट गुलजार हो गया और श्रद्धालुओं ने भी जमकर आनंद लिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या मामले में फरार चल रहे 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। वन महोत्सव सा सघन वृक्षारोपण अभियान का हुआ शुभारंभ, डीएम प्रणब कुमार ने वृक्षारोपण कर लोगों से वृक्ष लगाने की अपील। विश्व स्तन पान सप्ताह को लेकर व्याख्यान का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा मां के दूध का कोई विकल्प नहीं। नहीं थमरा जिले में अवैध शराब का कारोबार, नौगछिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 18 कार्टून शराब किया बरामद। और जल संकट को लेकर कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश, जड़लाही बोरिंग से पेयजल आपूर्ति हुई ठप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।